से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैटर्न डिज़ाइन। एग्जाम्पल फाइल में आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस पर वेब का थोड़ा सा जानता है तो कुछ बिल्कुल आसानी होगी। जैसे कि अगर टैग्स यूज किए जाते हैं, टिप का टैग हो गया, पिक टैग हो गया, इसी तरह से इधर भी ये टैग्स में कुछ नज़र आ रहे होंगे आपको। एक स्ट्रीम भी आपका लगा हुआ, एक टेक्स्ट व्यू पर लगा हुआ। टेक्स्ट व्यू क्या है, ये दरमियान में आपको हेलो वर्ल्ड दिखा नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू यूज होता है कोई भी टेक्स्ट व्यू करवाने के लिए लेबल के तौर पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेआउट्स के बारे में। काफ़ी किस्म के लेआउट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रही है कि स्ट्रीम लेआउट है, ऐसे लीनियर लेआउट है, रेक्टेंगुलर लेआउट है, क्यूब लेआउट, कोन लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जिनके अपने अपने मकसद हैं। तो कंस्ट्रेंट लेआउट को आज हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर चीज़ें कैसे हम शो करवा सकते हैं, कैसे कंपोनेंट्स इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं, और वो भी रिस्पॉन्सिव तरीके से, ताकि किसी भी स्क्रीन के अंदर ही अगर हमारी वेब चलती है, टैब के अंदर चलती है, किसी भी डिवाइस के अंदर जाती है डिफरेंट स्क्रीन साइज के अंदर, तो रिस्पॉन्सिव रहे हमारे डिजाइन के अंदर। तो फिलहाल इसको टेक्स्ट व्यू यहाँ से डाल लेता हूँ। इससे क्या होगा कि बिल्कुल हमारे डिजाइन को अब हम खुद से टेक्स्ट व्यू दोबारा यहाँ पे लगाएंगे। टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ मैं, ऐसे मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया कि दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, ये जरूरी है। आपने बताना है कि टेक्स्ट व्यू में विड्थ कितनी ले रही है, उसमें हाइट कितनी ले रही है, बताना जरूरी है। तो मैंने विड्थ इसकी दी है ड्रैग कंटेंट, मीन्स जितना इसका मतलब टेक्स्ट होगा, कंटेंट इसका होगा, उतना ही हाइट और लेयर्स ऊपर जाएगी। वैसे ही हाइट इसकी वेरी ड्रैग कंटेंट रखूंगा, क्योंकि जितना इसके अंदर कंटेंट होगा, अगर मल्टी लाइन हो जाता है तो ज़्यादा लाइन से अलग होता जाएगा, हाइट इसकी बढ़ती जाएगी। यहाँ क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे टैग को। अब टेक्स्ट कैसे इसमें लिखना है, उसके लिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, ये आपको शो हो रहा है बिल्कुल अपर लेफ्ट कॉर्नर पे। तो इसको अपने सेंटर में कैसे लेके आऊँ, जैसे पहले था, और एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ड्रॉ किया और यहाँ पर लेके आ गया। एक ऐसा करने से हुआ क्या है कि फिक्स एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की अपना ऐड हो गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऐड हो गए, मतलब कि एक्स एक्सिस पे 177 डिजिटल पिक्सल्स पे ये पड़ा हुआ, और ऊपर से वाई एक्सिस इसको मैंने नीचे मूव किया 356 पिक्सल्स, इतना मैंने नीचे लेके आया। मीन्स एक फिक्स वैल्यूज आ गई हैं, मार्जिन से ऐड हो गए हैं। तो ये वैसे ही देखने से भी कुछ रिस्पॉन्सिवनेस मुझे इसमें नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप रेड अंडरलाइन शो होगा टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट व्यू के नीचे। इस पर होम रेवर करेंगे आप तो यहाँ एक लाइन नजर आएगी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि व्यू को आपने कंस्ट्रेन नहीं किया, ये जो स्लिप स्विच नहीं सकता आपको नजर आएगी डिजाइन टाइम में। फिर जब आप उसको रन करेंगे तो ये कहाँ जम करते हैं, 0 0 तक। अब 0 0 क्या है, एक्स और वाई की पोजिशन है, तो एक्स 0 और वाई 0 कहाँ पे होता है, इस लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। मीन्स जब मैं इस ऐप को चलाऊंगा रन करूँगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको हम पहले रन करके देख लेते हैं, रन कैसे करना है, रन कैसे करना है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमें एक डिवाइस ऐड करनी पड़ेगी, डिवाइस मैनेजर में जाएं, तो मैंने ये डिवाइस ऐड की, इसको क्या करें यहाँ से रन करते हैं। रन करेंगे तो ये एमुलेटर के टैब में अपीयर हो जाएगी, शो हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं एमुलेटर रन हो गया। अब ऐप को रन करना है तो क्या करना है, यहाँ से ये रन का बटन दबाकर बिल्ड होगी या कुछ टाइम होगी, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अब इंस्टॉल हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड जो मैंने टेक्स्ट में लिया था, ये सेंटर में वो कहाँ चला गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया, तो 0 0 पोजीशन पे चला गया। जैसे कि मेरे एक्स इंक्रीज होता है राइट साइड पे, वाई इंक्रीज होता है टॉप बॉटम की तरफ, अगर आप इसको ड्रैग करके ये लगाते हैं ऊपर तो देखेंगे कि एक लाइन ऐड हो रही है, लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप वाला कंस्ट्रेंट टू टॉप ऑफ, इसके टॉप पे जाकर मैंने लगा दिया पेरेंट के। मीन्स
इसका बिलिंग कौन है, इसका फेल हुआ कि जिसके अंदर इसको लगाया हुआ था। ऐसे ही बॉटम वाले में क्या करूँगा, ये भी पेरेंट के साथ लगा दिया, और फिर पेरेंट के लेफ्ट से और राइट, पेरेंट के राइट से। अब देखें तो वो जो ऐसे वाइट कंडीशन और मटीरियल फायर हो चुकी है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो हम देखेंगे कि ये जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा। ये देखें लगा हुआ है। अब जब मैंने कस्टमर से लगा दिया है, उसके बाद एल भी तरह से गायब हो गया और जहाँ पे रखा था मैंने व्यू को वहीं पर सेंटर में। अब अगर आप इसको कहीं मूव भी करते हैं, जब तक इसके चारों कस्टमर्स लगे हुए हैं, तो आप इसको जान क्यों करेंगे, ये उस रेशो के हिसाब से, मतलब जितनी आपने रेशो इधर से छोड़ी लेफ्ट से टॉप से, उस रेशो के हिसाब से आप स्क्रीन में ये शो होगा। ये नहीं है कि यहाँ से 100 पिक्सल जाए, यहाँ से 150 पिक्सल जाए, तो हर स्क्रीन पे 100 इधर से होंगे, इधर 150 होंगे। इतना स्क्रीन का साइज होगा, उस हिसाब से खुद ही रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं जैसे कि इसके अंदर में 22 की वैल्यूज ऐड हो गई है। तो अगर ये 22 में कर देता हूँ 0.5, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में चला गया, और हॉरिजॉन्टली मैं इसको लेफ्ट साइड पर चाह रहा हूँ, तो बस को 0.3 0.2 ऐसे मूव कर दूंगा। ऐसे ही वर्टिकल बायस इसका 2 रखा है। तो आप फर्ज कर सकते हैं कि 20% टॉप से नीचे है, 30% ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो इस तरह से आप इसको सेंड को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब एक और भी बात करके देख लेते हैं। कॉर्टेक्स ले लिया, तो अब इसको मैंने लगाना है, तो फिगर लगाऊंगा मैं। अगर चाह रहा हूँ कि इस ऊपर वाले टेक्स्ट के नीचे ये शो हो, तो मैं क्या करूँगा, उसका टॉप वाला कंस्ट्रेंट इसके बॉटम के साथ लगाऊंगा। अब देखो मैं इसको एक दिन फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मुझे बॉटम से ऊपर नजर आ रहा है, तो मैं ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा रहा। किस वजह से, क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है कि इसके टॉप से ऊपर ये नहीं जा सकता। अब अगर मैं इसका लेफ्ट, इसको लेफ्ट से लगा दूंगा, तो लेफ्ट साइड से भी इसके साथ कंस्ट्रेंट हो गया, तो लेफ्ट पे भी मैं इसको मूव नहीं कर सकता। मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, इससे राइट से ज्यादा लेफ्ट की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो इस तरह से चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। वैसे ही एक बटन लेना चाहूंगा, तो वो कैसे लगेगा, बटन का भी यूज होता है। टेक्स्ट दे रहे हैं कुछ भी, जैसे प्लेयर, ये इन सब कहने के ऊपर आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, वो सारे इनपुट्स हैं, उनके नीचे बटन को लगाना है, एंड पे क्या करेंगे आप उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि लेफ्ट साइड अलाइन कर दी उसकी लेफ्ट से, ठीक है, टेक्स्ट व्यू की, और राइट साइड उसकी राइट साइड से अलाइन कर दिया। तो इससे होगा क्या कि अभी उसके सेंटर में बिल्कुल ये देखें, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा। तो अगर इसका साइज बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल क्लियर डाटा में कर देता हूँ, तो अब टेक्स्ट व्यू से इसका साइज बढ़ गया, अब क्या होगा, अब ये देखिए लिमिट है कि जितना लेफ्ट पे जा रहा है उतना ही राइट पे जा रहा है। अब मीन्स क्या हो रहा है, अगर लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, जहाँ तक इस साइड से अलाइन नहीं हो जाता, और राइट पे भी इतना ही हो रहा है जितना इस साइड से अलाइन नहीं हो जाता। तो ये बिल्कुल इस टेक्स्ट के साथ बाउंड है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल बायस अगर कर देता हूँ 0.5, तो वही बात है कि ये सेंटर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ ट्रिक्स हैं इसमें, जैसे कि मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये बटन ले लेता हूँ, बटन ले लिया, इसमें क्या होगा, टेक्स्ट लिख लेते हैं फिर से, ABC ही लिख लिया मैंने। अब क्या करता हूँ, मैं इसको इस बटन के साथ लाइन करने की कोशिश करता हूँ। बॉटम मैंने इसके बॉटम के साथ लगा दिया। अब क्या हुआ, ABC का बटन बिल्कुल इसके नीचे वाले बटन के, क्लियर डाटा वाले बटन के ऊपर आ गया। तो इस तरह की चीज़ आपने चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज लगी है उसके सेंटर में, आपने टेक्स्ट लिखना है या ऊपर किसी भी लोकेशन पर टेक्स्ट वगैरह या कोई डिजाइन व्यू बनाना है ऊपर, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं कंस्ट्रेंट वर्क के जरिए, ऐसे कंस्ट्रेंट लगा के। तो आई होप कंस्ट्रेंट वर्क भी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।